हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर फिट लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता। आज हम आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जो कि ऑब्वियसली रॉ हाउस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइसिंग की वजह से। लेकिन प्राइसिंग हम आपको लास्ट में बताएंगे, पहले हम आपको फैसिलिटीज़ और पूरा एक वॉक थ्रू कर देंगे कि कैसा लग रहा है घर देखने में। उसके बाद हम जब आपको प्राइसिंग बताएंगे तो आप लिटरली शॉक्ड हो जाने वाले हैं। पहले हम आपको फैसिलिटीज़ की बात कर दें और एरियाज़ की बात करें। तो एरिया आपका लगता है दसौली, ये अवधपुरम कॉलोनी एक डेवलप हुई है जिसमें आपको ये घर मिलने वाले हैं। घर की बात करें तो स्टार्टिंग जो है आपको मिनिमम 600 स्क्वायर फीट के घर, आपको 800, 1000 और उससे ज़्यादा आप जैसा चाहें उस हिसाब से घर आपको मिल जाएंगे। एरिया की अगर बात कर लें तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, आपको अभी तो डेवलप हो रहा है ऑलरेडी। आप अगर आसपास देखें तो काफ़ी लोग रहने भी लगे हैं, प्लस और भी मकान डेवलप हो रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। रोड की अगर हम बात करें तो आपको 21 फीट की रोड मिल जाती है सामने। फैसिलिटीज़ तो आपको ऑलरेडी ड्रेनेज की सुविधा मिलेगी, लाइटिंग वगैरह जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सुविधा मिलती है वो कॉलोनी के हिसाब से आपको मिलेगी। आसपास की अगर हम बात कर लें तो दसौली एरिया लगता है, जैसा कि बताया अवधपुरम कॉलोनी है आपकी। नियरेस्ट में आपको अवध हॉस्पिटल मिल जाता है, अवध कॉलेज मिल जाता है, साथ में आपको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पास में मिल जाती है। आई थिंक 200 से 300 मीटर की दूरी पर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में आपको मार्केट, हॉस्पिटल और जितनी भी सुविधाएं आपके डेली यूजेस की होती हैं वो आपको मिल जाएगी। जैसा कि हम दिखा दें बाहर से, अगर आपका घर जो मिलने वाला है आपको 600 स्क्वायर फीट का, वो कैसा दिखने वाला है अगर कैमरा की इधर दिखाया जाए तो आपको देखते हैं कि आपको इस तरह का सामने से देखने में आपको इस तरह का घर मिल जाएगा। अंदर की तरफ आपको लेकर चलते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि अंदर की तरफ आपको कैसा घर मिलने वाला है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं फ्रंट, आप देख सकते हैं आपको लोहे के गेट दिए गए हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से आपको लोहे के गेट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं। अंदर की तरफ आते हैं, अभी जैसा कि हाउस जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास और भी सैम्पल हाउस थे लेकिन उनमें ऑलरेडी फैमिली रह रही है काफ़ी ज़्यादा, तो हम किसी को डिस्टर्ब करके वीडियो बनाना नहीं पसंद करते हैं। इस साइड में आपको छोटा सा एक एरिया मिल जाता है जिसमें आप ऑलरेडी आपको समरसेबल मिलेगा, साथ में आपकी टैप्स वगैरह की सुविधा मिलेगी। अगर आप चाहें तो आपकी शायद छोटी स्कूटी या साइकिल बच्चों के आराम से पार्क हो सकती है। पॉश एरिया मेरे हिसाब से हैचबैक पार्क हो जाएंगी, अल्टो वगैरह आपकी आराम से पार्क हो जाएंगी। इस साइड हम देखें तो आपको स्टेयर्स मिलती हैं जो कि आपको सेकंड फ्लोर से जोड़ेंगी। अंदर की तरफ आते हुए आपको अच्छा खासा एक बड़ा ड्राइंग रूम मिल जाता है। दरवाज़ों की बात करें तो नॉर्मल आपको लकड़ी के दरवाजे दिए गए हैं लोहे की फिटिंग्स के साथ। इधर आपको एक विंडो दी गई है कांच की, जो कि आपकी ड्राइंग रूम में अच्छी खासी रोशनी आने के लिए। फॉल सीलिंग, इस पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग नहीं मिलेगी लेकिन हाँ, पूरे घर में हर कमरों में आपको पीओपी दी जाएगी। आइए इधर की तरफ आपको किचन में देखकर चलते हैं। किचन नॉर्मल आपको किचन मिल जाता है, जैसा कि आप टाइल्स और मार्बल्स के साथ आपको नॉर्मल किचन मिलता है। यहाँ पर एक आपको खिड़की दी गई है आपके धुआं और रोशनी के लिए। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको थोड़ा देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम उसको भी आपको दिखा देंगे कि कैसा आपका घर बनकर जब आपको मिलेगा तो कैसा मिलेगा। एक सेपरेट आपको यहाँ पर बाथरूम मिल जाता है, अगेन 3D टाइल्स के साथ सेटअप है पूरा, और टैप्स वगैरह पर आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको हम बेडरूम की तरफ लेकर चलते हैं। पहले मैं बता दूं तो आपका 2 BHK का घर है लेकिन काफ़ी बड़े आपको बेडरूम मिल जाते हैं। यहाँ भी 2 BHK के साथ आपको जो सुविधा दी जाएगी उसमें 2 ड्राइंग रूम भी हैं प्लस 2 BHK। इस साइड देखें तो यहाँ आपको एक वेंटिलेशन एरिया मिल जाता है, ऊपर ये कवर्ड आपको मिलेगा जिसमें अगर आप चाहें तो अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह या आई थिंक वॉश मशीन वगैरह भी आप लगा सकते हैं, या छोटा मंदिर वगैरह आप सेटअप कर सकते हैं। अगेन अगर दरवाज़ों की बात करें तो नॉर्मली दरवाजे यूज़ करे गए हैं, प्लस जिस तरह का रेट है उसमें आपको बहुत अच्छी डील मिल रही है, वो हम रेट आपको बाद में बताएंगे। ऊपर की तरफ आपको लेकर चलते हैं हम। स्टेयर्स पर आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा और साथ में स्टील की रेलिंग्स भी मिल जाएंगी। यहाँ आपको अच्छी खासी आपको रेलिंग्स मिलेंगी स्टील्स की, साथ में आपको थोड़ा एरिया दिया गया। आई थिंक आपने अच्छे से प्लांट्स वगैरह लगा कर सेटअप कर सकते हैं, घर को कितना ज़्यादा सुंदर बना सकते हो, आराम से बना सकते हैं। यहाँ आपको अगेन काफ़ी अच्छा आंगन टाइप का मिल जाता है जिसमें आप अपने शायद लॉबी बना सकते हैं खुली, शाम को बैठने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अंदर अगेन आपको एक अच्छा खासा ड्राइंग एरिया मिल जाता है, जैसा कि नीचे एक ड्राइंग एरिया दिया गया था यहाँ पर भी एक आपको ड्राइंग रूम दिया गया है। ड्राइंग रूम में ऊपर आपको पीओपी दी गई है,
जितने भी स्विचेस वगैरह प्रीमियम क्वालिटी के आई थिंक स्विचेस यूज़ करें ना, प्रीमियम क्वालिटी के स्विचेस हैं आपके अंदर। एक आपको यहाँ अगेन मास्टर बेडरूम मिल जाता है जो कि यहाँ वेंटिलेशन एरिया दिया गया है आपका, जिसको आप कवर भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, आराम से कवर भी हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर भी आपको अच्छी काफ़ी सुंदर पीओपी दी गई है, पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग नहीं है लेकिन पीओपी अच्छी सुंदर दी गई है। अंदर की तरफ आपको एक अलग से रूम से जुड़ा हुआ आपको बाथरूम मिल जाता है, इंडियन टॉयलेट यहाँ पर आपको दिया गया है, वेंटिलेशन एरिया भी यहाँ पर खिड़की दी गई है वेंटिलेशन के लिए। अगेन काफ़ी सुंदर सी पिंक कलर की 3D टाइल्स यहाँ यूज़ करी गई हैं, जितनी भी फिटिंग्स वगैरह होंगी उसमें 5 ईयर्स की आपको वारंटी दी जाएगी। एरिया की अगर हम घर की एरिया की बात करें तो इसके ऊपर आपको रूफ भी दी गई है, हम पहले आपको दिखा दें। अभी यहाँ रूफ अंडर कंस्ट्रक्शन है तो रूफ के लिए आपकी सीढ़ियाँ नहीं दी गई हैं, इसलिए आपको रूफ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ऊपर आपको रूफ भी मिलेगी जो कि पूरी कवर मिलेगी। साथ में फ्रंट एरिया की अगर हम बात करें तो आपको 50 फ्रंट मिल जाता है, डेप्थ की बात करें तो आपको 40 डेप्थ मिल जाती है। आइए नीचे आपको दिखाते हैं चल करके और लुक आगे का कैसा दिखता है। जैसे कि हमने आपको घर दिखा दिया, फ्रंट आपका 21 फ्रंट था, डेप्थ आपकी 40 थी, कवर्ड एरिया आपका 928 है। एरिया की बात करें तो 600 स्क्वायर फिट का एरिया है। प्राइसिंग की अब हम अगर बात कर ले तो सिर्फ से सिर्फ 18,99,000 में आपका घर हो सकता है, और सिर्फ 2 बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 आपको बाथरूम मिल जाते हैं, इतना प्लस वेंटिलेशन एरिया मिल जाता है, लॉब पॉश एरिया मिल जाता है, किचन मिल जाता है, इतनी सारी सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं किसमें मिल रही हैं, 18,99,000 में। तो अगर आप हमारी तरफ से परचेज़ करते हैं, ऑब्वियसली हम आपको एक डील काफ़ी अच्छी बना कर ही देते हैं, तो अगर आप हमारी तरफ से परचेज़ करते हैं तो आपको एक स्मार्ट टीवी मिल सकता है, प्लस ओनर सेगमेंट हमारी साइड से होता है, 6 लाख तक का आपको थ्रेफ्ट इंश्योरेंस भी मिल जाता है। अगेन डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, आपकी किसी प्रकार की क्वेरी हो इस प्रॉपर्टी से लेकर या किसी भी प्रॉपर्टी से लेकर के, तो आप हमसे 24/7 कॉल कर सकते हैं, मैसेज में हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। प्लस अगर आप किसी तरह की प्रॉपर्टीज़ किसी डेफिनेट एरिया में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें वो भी बता सकते हैं, हम वो भी आपको सर्च करने में हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।